गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अमोनिया तो अमोनिया इज कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स जो अमोनिया है वो हमारी बॉडी में कॉन्सटेंटली प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा जब अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है तब हमारी बॉडी में अमोनिया क्या है कॉन्सटेंटली प्रोड्यूस होता रहता है द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया अकर्स फ्रॉम अमीनो एसिड एंड बाय द एक्शन ऑफ इंटेस्टर्नल बैक्टीरिया द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया बिटवीन टिश्यू एंड लेवर अकर इन द फॉर्म ऑफ लिटामाइन एंड नॉट एस फ्री अमोनिया जो अमोनिया का प्रोडक्शन है कहाँ से होता है अमीनो एसिड से होता है किसकी वजह से जब वहाँ पर इंटस्टर्नल बैक्टीरिया का एक्शन होता है ठीक है तो द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया अकर्स फ्राम अमोनियो अमोनिया अमीनो एसिड्स एंड बाय द एक्शन ऑफ इंडस्टरनल बैक्टीरिया प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया कब होता है जब अमीनो एसिड द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया अकर्स फ्रॉम अमीनो एसिड जो अमोनिया का प्रोडक्शन है वो कहाँ से होता है अमिनो एसिड से होता है कब जब वहाँ पर इंटेस्टानल बैक्टीरिया का एक्शन होता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया बिटवीन टिश्यू एंड लेवर अकर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामाइन एंड नॉटस्ट फ्री अमोनिया जो ट्रांसपोर्ट है अमोनिया का टिश्यू के बिटवीन और लेवर के बिटवीन मतलब टिश्यू और लेवर के बीच में जो अमोनिया का जो ट्रांसफ़र होता है वो फ्री अमोनिया के तौर पे नहीं होता है वो होता है ग्लूटामाइन के तौर पे ये आप बात ध्यान हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब ट्रांसपोर्ट होता है अमोनिया का बिटवीन टिश्यू एंड लेवर मतलब टिश्यू और लेवर के बीच में जब अमोनिया का ट्रांसपोर्ट होता है तो वो फ्री अमोनिया में के उसमें नहीं होता है वो होता है ग्लूटामाइन की फॉर्म में ठीक है द रोल ऑफ ग्लूटामाइन इज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट अमोनिया जो ग्लूटामाइन का रोल है वो है कि अमोनिया को स्टोर करे और ट्रांसपोर्ट करे तो अमोनियो प्रोडक्शन अगर टू टाइप्स जो अमोनियो का प्रोडक्शन है वो दो टाइप में होता है पहला तो होता है ट्रांसामिनेशन और दूसरा होता है डीअमिनेशन तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसामिनेशन क्या होता है ट्रांसमिनेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अमीनो एसिड्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर इसमें क्या होता है हम क्या करते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफ़र होता है अमीनो ग्रुप का एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ठीक है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर इसमें हम एक मॉलिक्यूल से अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल में नेक्स्ट देर इज़ वेरी लेस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इस दौरान बहुत कम अमोनिया का फॉर्मेशन होता है नेक्स्ट इट इज अ प्रोसेस इन विच अमीनो ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड टू कीटो एसिड इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में जो अमीनो ग्रुप है वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है इट इज अ प्रोसेस इन विच अमीनो ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अमीनो एसिड टू कीटो एसिड इसमें क्या होता है जो अमीनो ग्रुप है वो अमीनोग्रुप से किसमें ट्रांसफर किया जाता है कीटो एसिड में ठीक है एक बार और ध्यान से पढ़ लो इस लाइन को इट इज अ प्रोसेस इन विच ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अमीनोग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्राम द अमीनो एसिड टू कीटो एसिड ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अमीनोग्रुप जो है वो ट्रांसफर किया हो जाता है अमीनो एसिड से कीटो एसिड में ठीक है ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा हल्का सा इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है थर्ड द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड टू कीटो एसिड इज कॉल्ड ट्रांसमेशन जो ट्रांसफर होता है अमीनो ग्रुप का ठीक है फ्रॉम अमीनो ग्रुप अमीनो एसिड टू कीटो एसिड इज कॉल्ड ट्रांसमेशन जो ट्रांसफर होता है अमीनो ग्रुप का अमीनो एसिड से कीटो एसिड में उसी को हम क्या बोलते हैं ट्रांस अमिनेशन ये टॉपिक आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेगा हल्का सा कंफ्यूजिंग भी है तो इसमें थोड़ा ध्यान लगा के रखिएगा ठीक है ट्रांस अमिनेशन अगर हम नॉर्मली बात करें सिंपल वे में बात करें तो इसमें क्या होता है ट्रांसफर होता है अमीनो ग्रुप का फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर हो जाता है ठीक है नेक्स्ट है डी अमिनेशन इट इज़ अ प्रोसेस बाय रिमूविंग अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल डी डी का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ का गिडी लग जाता है उसका मतलब होता है रिमूव करना तो ऐसे ही डियामिनेशन में क्या इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल इसमें हम क्या करते हैं अमीनो ग्रुप को रिमूव करते हैं मॉलिक्यूल्स में ट्रांसामिनेशन में हम क्या करते थे ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स में लेकिन डियामिनेशन में हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं नेक्स्ट इट इज डन टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एन टू इन द बॉडी यह लिए किया जाता है ताकि हमारी बॉडी में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो सके इट इज़ अ प्रोसेस विच अकर इन लेवर यह ऐसा प्रोसेस जो लेवर में आकर होता है द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड इज कॉल्ड डीअमिनेशन इसमें अमीनो ग्रुप का जो रिमूवल होता है किसी भी अमीनो एसिड से उसको हम क्या बोलते हैं डीअमिनेशन ठीक है डीअमिनेशन का मतलब दोबारा आप समझ लीजिए रिमूविंग ऑफ अमीनो ग्रुप अमीनो ग्रुप को हमें क्या करना है रिमूव करना है और अमिनेशन में हमें अमीनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करना है ये आप दो चीज़ ध्यान में रखिएगा हमेशा ठीक है और लास्ट लाइन जैसे द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड जो अमीनो ग्रुप का रिमूवल होता है अमीनो एसिड से उसको हम क्या बोलते हैं डीअमिनेशन नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया अमोनिया का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है अमोनिया इज अ टॉक्सिक कंपाउंड विच शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी अमोनिया एक तरीके का टॉक्सिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी से क्या है रेगुलरली रिमूव होना चाहिए अमोनिया इज ऑपरेट फ्रॉम डायट्री हैबिट्स एंड यूरिया प्रेजेंट इन अवर बॉडी अमोनिया हमें कहाँ से मिलता है हमारी डायट्री हैबिट्स या फिर जो यूरिया प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में मेनली हमें वहाँ से अमोनिया मिलता है अंडर नॉर्मल कंडीशन लिवर हेल्प इन रिमूवल ऑफ एन एस थ्री विद द हेल्प ऑफ ब्लड नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए तो जो अमोनिया है ठीक है उसमें क्या है लेवर हेल्प करता है अमोनिया को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ ब्लड ठीक है ब्लड के साथ लेवर भी क्या है हमारी बॉडी से अमोनिया को बाहर निकालने के लिए काम करता है नेक्स्ट अमोनिया ट्रांसपोर्टेड विद इन द टिश्यूज सो तो दैट द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अमोनिया इन बॉडी अमोनिया का जो ट्रांसपोर्ट है विद इन टिश्यूज में होता है ताकि जो अमोनिया का जो मेंटेनेंस है वो हमारी बॉडी में हो सके ठीक है नेक्स्ट है बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अमोनिया अमोनिया के कौन कौन से बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है इफ़ देर इज डेफिशिय ऑफ अमोनिया इट कैन अफेक्ट द एंजाइम विच आर हेल्पफुल इन वेरियस साइकिल सो इट्स डेफिशंसी कैन रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ ए टीपी एलिटेड लेवल ऑफ अमोनिया कैन प्रोड्यूस इफेक्ट इन सोडियम पम्प बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस के दो हैं पहला तो अगर हमारी बॉडी में अमोनिया की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऐसे एंजाइम्स जो हेल्पफुल हैं हमारी बहुत सारी साइकिल्स में जैसे कि हमने पहले पढ़े ठीक है अगर उनकी कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रोडक्शन है एटीपी का जो है जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा दूसरा जो अगर अमोनिया अगर बढ़ जाता है मतलब एलिवेटेड हो जाता है या बढ़ जाता है तो वो कहाँ पे इफेक्ट दिखाएगा सोडियम पंप ये जो हमने पहले पढ़ा है सोडियम पंप वहाँ पे क्या करेगा इफेक्ट दिखाएगा सोडियम और पोटेशियम पंप पढ़ा था पहले हमने तो उसमें क्या है ये कहीं ना कहीं अपनी इफेक्ट दिखाएगा तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो अमोनिया, है अमोनिया ठीक है अमोनिया में हमने पढ़ा फिर इसमें दो प्रोसेस थी ट्रांसऑर्मिनेशन एक ओवर देख लेते हैं इसको इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अमीनो ग्रुप, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमीनो ग्रुप को हम ट्रांसफर करते हैं एक मॉलिक्यूल से अदर मॉलिक्यूल्स में इसमें बहुत कम अमोनिया का फॉर्मेशन होता है ठीक है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अमोनिया अमीनो ग्रोप इज़ ट्रांसफर फ्राम द अमीनो एसड टू कीटो एसिड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमीनो ग्रोप जो है वो ट्रांसफर होता है अमीनो एसिड से कीटो एसिड में द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्राम अमीनो एसिड टू कीर्टो एसिड इज कॉल्ड ट्रांस अमिनेशन जो ट्रांसफर है अमीनो ग्रुप का अमीनो एसिड से कीर्टो एसिड में उसी को हम क्या बोलते हैं ट्रांस अमिनेशन डीअमिनेशन क्या है इसमें हम रिमूव करते हैं अमिनोग्रुप को एक मोलिक्यूल से ये हमारी बॉडी मेंटू को कम करने के लिए एक नाइट्रोजन को कम करने के लिए किया जाता है इट इज़ द प्रोसेस विच अकर इन लेवर ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लेवर में अकर होता है और द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड इज कॉल्ड डीअमिनेशन इसमें क्या जब अमीनो ग्रुप को हम रिमूव कर देते हैं अमीनो एसड से उसको हम डियामिनेशन कहते हैं ये मैंने आपको इसलिए दोबारा समझाया है कि आप थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाए ना ठीक है कई बार क्या होता है हम इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांसअमिनेशन और डियामिनेशन में क्या होता है फिर ट्रांसपोर्टेशन में तो हमने देखा ही था कि अमोनिया एक टॉक्सिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना चाहिए ठीक है अमोनिया में डायट्री और यूरिया जो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में उससे मिलता है और अगर अमोनिया के बाहर जाने की बात करें तो लेवर और हमारा ब्लड अमोनिया को हमारी बॉडी से कॉन्सटेंटली रिमूव भी करता है और अमोनिया के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमारे बहुत सारे साइकिल्स के लिए अमोनिया ज़रूरी होता है तो जो अमोनिया का ट्रांसपोर्टेशन है वो टिश्यूज़ के अंदर होता है ताकि मेंटेनेंस जो है अमोनिया की वो हमारी बॉडी में बनी रहे और किसी भी साइकिल्स में क्या है, क्या है कोई भी अमोनिया की कमी ना आए क्योंकि अगर साइकिल्स में अमोनिया की कमी आ जाती है क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं ठीक है जिसकी वजह से क्या होगा हमारे जो एटीपी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा जैसे कि हमने पढ़ा था कि बायोमेडिकल इम्पॉर्टेंस में किसकी कि दो बायोमेडिकल इम्पॉर्टेंस है पहला तो ये है कि अगर अमोनिया की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एंजाइम्स एंजाइम्स क्या है जो हमारी साइकिल्स में हेल्पफुल होते हैं ठीक है तो उससे क्या होगा जो हमारी एटीपी का प्रोडक्शन वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा दूसरा जो हमारा सोडियम पंप है अगर अमोनिया का लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी में तो सोडियम पंप जो है उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ सकता है तो ये थी आज की क्लास नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे थैंक यू एंड एन अ नाइस डे